जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं गणेश दमनक चतुर्थी के बारे में। अब देखिए, जो ये गणेश दमनक चतुर्थी है, यह पड़ती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन या चतुर्थी पे। तो इसकी तिथि जो है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की ये चतुर्थी है, उसी दिन ये गणेश दमनक चतुर्थी मनाई जाती है। और आज ये भी बताएंगे कि इसका व्रत, इसका महत्व और इसमें पूजा क्यों की जाती है और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये गणेश दमनक चतुर्थी है, यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मनाई जाती है। और इसमें जो है गणेश जी की पूजा की जाती है या गणपति जी का पूजन किया जाता है, और इसमें दमनक का आरोपण किया जाता है, या इसको कहिए कि दमनक इसमें लगाई जाती है घर में और इसकी पूजा करी जाती है। तो इससे ये माना जाता है कि सभी विघ्नों का नाश हो जाता है और सभी मनोकामनाएं इसमें पूर्ण होती हैं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि दमनक होता क्या है। देखिए, दमनक एक प्रकार का पौधा है और यह ज़्यादातर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई 1.5 फीट से 2.5 फीट के बीच में होती है और ये औषधि के रूप में बहुत ही फेमस है और ये इसमें से बहुत सुगंध आती है। तो अगर आप इसको अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो इसके बारे में आप सभी चीज़ पा जाएंगे, दमनक नाम का पौधा कैसा होता है। तो देखिए, जो दमनक नाम के पौधे की हम बात करते हैं, जो ये दमनक जो नाम है ये, तो अब चूंकि इसमें लिखा है कि इसमें हमने बताया आपको कि गणेश दमनक चतुर्थी नाम है इसका, तो जो इसकी व्रत कथा है उसमें दोनों का नाम आया है। पर चूंकि चतुर्थी की बात है, तो इसमें बताया मैंने आपको गणेश जी की पूजा की जाती है और इसमें व्रत रखा जाता है, जैसे कि सब विघ्न दूर हों और हमारी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। अब देखिए, एक और बता दूँ मैं आपको कि यह व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमने कोई कर्म गलत किया है तो उसमें हमारे जो हमने गलत कर्म किए हैं, तो उन गलतियों का निवारण इस व्रत द्वारा या इस पूजन द्वारा हो सकता है, अगर हम गणेश दमनक चतुर्थी का व्रत करें और यहाँ पर गणेश भगवान की पूजा करें। अभी आपको व्रत कथा बताएंगे कि इसी व्रत कथा में यह बताया गया है कि अगर हम जो कर्म करते हैं उसे हम चाहे इस जन्म में भोगें चाहे अगले जन्म में भोगें, हमें वो कर्म अपने भोगने पड़ते हैं। तो जो ये कर्म की बात है, कर्मों का कभी क्षय नहीं होता है, ये इसीलिए बताया गया है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ या कर्मों के बारे में, क्योंकि अगर हमें कोई गलत कर्म हमने किए हैं प्रारब्ध या पिछले जन्म में, और अगर हम गणेश दमनक चतुर्थी का व्रत रखते हैं और इसी पे भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो इसमें जो हमने कर्म गलत किए हैं उन कर्मों का निवारण हो सकता है। ऐसा भगवान शिव और गौरी माँ का ये प्रताप है। तो अब देखिए, हम आपको चलते हैं इस व्रत कथा पे। देखिए, व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक राजा था और उसकी दो रानियाँ थी। एक रानी के पुत्र हुआ जिसका नाम गणेश रखा गया और दूसरी रानी के पुत्र हुआ उनका नाम दमनक रखा गया। अब देखिए, गणेश जी जो गणेश थे, जिनका नाम गणेश था और जिनका नाम दमनक था, तो चूंकि दोनों अलग अलग रानियों के पुत्र थे तो दोनों का ननिहाल भी अलग था। तो जब गणेश अपने ननिहाल जाते तो उनके वहाँ पर मामा मामी थे, नाना नानी थे, उसको बहुत प्यार करते थे और जब वो आते खूब सारे उनको गिफ्ट देते थे और खूब सारे उनको उपहार दे के भेजते थे और बहुत चाहते थे गणेश को। पर यहाँ दमनक के साथ उल्टा था कि दमनक जब भी अपना ननिहाल जाता तो वहाँ उसके मामा मामी उससे बहुत काम करवाते और उसका उसकी कोई बात नहीं मानते थे और उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। और कभी कभी तो ये भी होता था कि उसे घुड़साल में कहते जाके, जहाँ घोड़े रहते हैं वहाँ जाके सो जाओ। और जब लौट के आता था दमनक तो उसे कोई उपहार नहीं देते थे। तो जब दमनक देखता था अपने भाई गणेश को कि अरे ये तो ननिहाल से आता तो खूब सारे उपहार लेके आता है, तो उसे बहुत दुख होता था, बहुत उदास हो जाता था। अब देखिए, धीमे धीमे समय बीतता गया और दोनों युवा हो गए, जवान हो गए। तब राजा ने उनकी शादी कर दी दोनों की, गणेश की और दमनक की। अब गणेश जब अपने ससुराल जाते तो
तो उनका वहाँ पर बहुत स्वागत होता, पर जब दमनक जाते तो उनका वहाँ कोई स्वागत नहीं होता और वहाँ पर उनको उल्टा सीधा कहा जाता। तो इस बात से दमनक बहुत उदास रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो ये गणेश जी और दमनक, गणेश और दमनक के साथ जो बीता था, तो वहाँ पर एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसने देखा कि गणेश साथ हमेशा अच्छा होता है और दमनक साथ हमेशा खराब होता है। तो वह स्त्री बड़ी परेशान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव और गौरी मैया पृथ्वी पर आए और ये देखने लगे कि यहाँ पर किस कौन परेशान है और जगत की चिंता करते हुए वो इस पृथ्वी लोक पर चले आए। तो जब इस पृथ्वी लोक पर आए यहाँ पर, तो उनको वही वृद्ध स्त्री मिली जो कि गणेश और दमनक के बारे में पूछना चाहती थी। तो जब देखा उस वृद्ध स्त्री ने कि भगवान शिव और गौरी मैया आ गई हैं, तो उसने हाथ जोड़े और उसने पूछा कि प्रभु ही बताइए कि दमनक को इतनी परेशानी क्यों है, ऐसा क्या कारण है जो दमनक इतना परेशान है। भगवान शिव हंसे धीमे धीमे, क्योंकि भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, ऐसा था कि दमनक जब अपने पिछले जन्म में इसने जो भी मामा मामी से प्राप्त किया, इसने उनके बच्चों को वापस नहीं किया। मतलब जो भी इसने प्राप्त किया, जो भी पैसे दिए, कपड़े दिए, इसने अपने मामा के बच्चों को अपने कोई वापस नहीं दिया। इसने ये इतना काम में व्यस्त रहता था और जो भी इसको ससुराल से मिला, तो इसने कभी अपने साली या सरज को वापस नहीं किया या उनके पुत्रों या पुत्रियों को वापस नहीं किया उसने किसी भी रूप में। तो इसीलिए उसको इतनी परेशानी हो रही है, इसीलिए उसके संबंध सब खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो भी इसने कर्म किए थे उसने उसमें लिया ही लिया, इसने वापस कुछ नहीं किया। तो बताया भगवान शिव ने कि देखो, कर्मों का क्षय नहीं होता है और इसीलिए चूंकि उसने लिया, इसने आज तक लिया ही है और दिया कुछ नहीं, इसलिए वो इतना परेशान है। और गणेश को अगर बात करें तो भगवान शिव बोले कि गणेश ने पिछले जन्म में जिससे लिया उसका तुरंत वापस किया, जो उसको ससुराल से मिला उसने अपने साली और सलज को वापस किया या उनके बच्चों को वापस किया, और वो हमेशा समय निकालता था उनके लिए। और जो भी उसको मामा मामी से मिला उसने भी उसको वापस किया, उनके बच्चों को वापस किया। तो इसी प्रकार से वो खुश है और दमनक बहुत दुखी है। अब इस विदृष्टि को समझ में आ गया कि समस्या कहाँ थी। समस्या ये प्रारब्ध की है कि कर्मों का कभी क्षय नहीं होता है और जो भी जिससे ले उसको तुरंत वापस किसी न किसी रूप में करना चाहिए। तो अब देखिए, हमें इस कहानी से ये मालूम पड़ा कि जो भगवान शिव ने बताया कि अगर कोई अपने भाई से लेता है तो उसके भतीजे को जरूर वापस करे, कोई अगर उसके मामा अपने मामा से लेता है तो उसके लड़के को जरूर वापस करे, ससुराल से किसी मिलता है तो साले या सरहज या उसके लड़के को जरूर किसी न किसी रूप में वापस करे। मतलब ये निकलता है कि अगर हमें कुछ भी मिलता है कहीं से, तो हमें किसी न किसी रूप में उसे वापस कहीं ना कहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वह ऋण होता है। अब देखिए, हम आपको बता दें एक चीज कि देखिए, पुराने ज़माने में, या अपने मैं दादी की बात बताता हूँ मैं आपको, कि शादियों में देखिए लिखा जाता है किसने किसको दिया। ये तो शायद आपको मालूम होगा, हर शादी में लिखा जाता है कि किसने किसने क्या चीज़ दी है, उसी हिसाब से उसको उसके यहाँ लौटाला जाता है जब उसके यहाँ कोई फंक्शन या शादी होती है। तो इसका यही मतलब निकलता है कि देखिए, कर्म जिससे हमने लिया है तो हमें उसका लौटाना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। तो देखिए, ये हुआ दमनक के साथ। तो उस वृद्ध स्त्री ने पूछा भगवान शिव से, प्रभु बताइए कैसे होगा। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, कि गणेश दमनक चतुर्थी या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होगी, उसको तुम दमनक को बताना कि उस दिन वो भगवान श्री गणेश का या मेरे पुत्र का पूजा करे और उनका व्रत रखे, और जो एक दमनक नाम का पौधा है जो उसी के नाम पे है उसकी पूजा करे, तो उसको उस अपने कर्मों जो उसने गलत कर्म किए हैं उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो अब उस जब दमनक को मालूम पड़ा, जब बताया वृद्ध स्त्री दमनक को, तो दमनक ने वैसे ही पूजा करी भगवान श्री गणेश की, और जब उसने पूजा करी तब वो अपने भाई गणेश जैसा वो सुख हो गया, मतलब उसको सुख मिलने लगा। अब वो जब चाहे ससुराल जाता, चाहे वो अब कहीं जाता, मामा के जाता, तो उसको हमेशा अच्छा उस व्यवहार मिलता।
तो देखिए ये प्रताप भगवान श्री गणेश का और ये आशीर्वाद है भगवान प्रभु शिव का और गौरी मैया का कि उन्होंने बताया कि हमारे कर्म के जिससे भी हम लें उसको हमें वापस देना चाहिए, जैसा भी मैंने आपको बताया। और अगर हम नहीं कर पाए पिछले जन्म में, हमसे कोई गलती हो गई है और हमारे साथ कोई व्यवहार गलत होता है, तो गणेश तमलक चतुर्थी का हम व्रत जरूर करें और उसमें गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की हम फोटो या मूर्ति लगा लें और उन पर हम पीला वस्त्र धारण करवा लें और उनको मन से व्रत करें और उसमें पूजा करें, उसमें मोदक का प्रसाद चढ़ाएं और उसमें दमनक नाम का पौधा लगाकर, दमनक नाम का पौधा नहीं मिलता तो गणेश जी की सिर्फ पूजा करिए। तो देखिए आपके जितने भी प्रारब्ध के अगर पाप हैं आपको मिट जाएंगे और आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे अगर आपके संबंध कहीं खराब हैं। तो अगर भगवान शिव की बात मानते हैं, गौरी मैया की बात मानते हैं, तो आप इस व्रत को याद रखिएगा और गणेश जमनक चतुर्थी का व्रत जरूर करिएगा और भगवान शिव की, भगवान गणेश की पूजा जरूर करिएगा आप लोग। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में अगर आता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय गणेश बाबा, जय शिव जी, जय गौरी मैया, कृपा करो।